किसान भाइयों नमस्कार। पिछली बार जब मैंने आपसे बात की थी तो सोयाबीन में प्रारंभिक अवस्था में जो कीट लगते हैं, जो बीमारियां लगते हैं, उनसे निदान पाने के लिए किन किन चीज़ों से बीजोपचार करना चाहिए, उनके बारे में बात की थी। मुझे आशा है कि किसान भाइयों ने इसका पालन किया होगा, अनुसरण किया होगा और अपने बीज को अच्छी तरह से बीजोपचार करके ही बोनी की होगी। जिन किसान भाइयों ने अभी बोनी नहीं की है और वो मानसून का रास्ता देख रहे हैं, उनके लिए अभी भी समय है कि वे अपने बीज को अच्छी तरह बीजोपचार कर लें, उपयुक्त दवाइयों से बीजोपचार कर लें। जो पिछली बार मैंने कहा था उसको मैं जल्दी से दोहरा देता हूँ। बीजोपचार करने के लिए कौन कौन से रासायनिक कीटनाशक और फफूंदनाशक हमने अनुशंसित किए हैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि शुरुआत की अवस्था में सबसे मुख्य बात है और अहम बात होती है कि हमारी पौध संख्या बराबर बनी रहे, किसी भी प्रकार से न तो कीट से न बीमारी से वो उसको कोई क्षति हो पाए, ताकि पौध संख्या बराबर हो तो उत्पादन भी अच्छा आएगा। अब पौध संख्या को बराबर रखने के लिए हमें ज़रूरी है कि उनको सुरक्षा प्रदान करें हम, और सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे पास में फफूंदनाशक भी है और कीटनाशक भी है। और सौभाग्य की बात है, अच्छी बात यह है कि कई तरह के फफूंदनाशक ऐसे हैं जो कि दो प्रकार के फफूंदनाशक मिलकर आ रहे हैं और उनका पूर्व मिश्रित फॉर्मुलेशन बाजार में आ रहा है। उनका उपयोग करने से कई प्रकार की बीमारियां को हम रोक सकते हैं। उनमें प्रमुख रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा, एक जो कॉम्बिनेशन है वो है थायफेरेट मिथाइल और पायरोक्रोस्टोबिन का, इसका उपयोग कर सकते हैं बीजोपचार के लिए, या फिर पेनफ्लूफेन और ट्राइफ्लोक्सीस्ट्रोबिन, ये दूसरा फफूंदनाशक का कॉम्बिनेशन है, इसका उपयोग भी कर सकते हैं। इनका उपयोग करने से हम कई तरह की जो बीज जनित बीमारियां होती हैं या पौधे की आरंभिक अवस्था में प्रकोप होता है जिन बीमारियों का, उनको रोक सकते हैं। कुछ कीड़े भी बहुत शुरुआती अवस्था में सोयाबीन में आ जाते हैं, प्रमुख रूप से ब्लू बीटल जिसको काला भृंग बोलते हैं, या फिर तना मक्खी। उत्तरी भाग में हम चले जाएं देश के तो वहाँ पे सफ़ेद मक्खी का प्रकोप भी काफ़ी प्रारंभिक अवस्था में हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम बीज को कीटनाशक से भी बीजोपचारित करें। उसके लिए एक बड़ा ही अच्छा कीटनाशक का कॉम्बिनेशन आया है जिसमें कि थायमेथोक्सम और लेमडा साइक्लोथ्रिन है। थायमेथोक्सम एक समवाही कीटनाशक है, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, और लेमडा साइक्लोथ्रिन कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, संपर्क विष है। तो इसमें दोनों तरह के कीड़ों का हम नियंत्रण कर सकते हैं, जो रस चूसने वाले हैं उनके लिए भी, या चना भेदक हैं उनको भी, या ऊपर से जो पत्ती खाने वाले कीड़े हैं उनका भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में नीले भृंग का प्रकोप ज़्यादा होता है। विशेष परिस्थिति से मेरा कहने का तात्पर्य है कि बोनी के बाद में अगर लगातार वर्षा होती रहती है, रिमझिम वर्षा होती रहती है और ज़मीन में नमी काफ़ी हो जाती है, उस समय ब्लू बीटल का प्रकोप काफ़ी होता है। और ब्लू बीटल पौधे की बढ़वार वाले हिस्से को खाता है, जहाँ से पौधा वृद्धि करता है उस हिस्से को खा जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप पौधा आगे बढ़ नहीं पाता है या ऊपर ठूंठ ठूंठ रह जाता है, या उसके पहले जो पौधे में दाल निकलती है, सोयाबीन की दाल जो बाहर निकलती है वो भी खा जाता है। तो खेत में सिर्फ ठूंठ ठूंठ दिखते हैं। और ब्लू बीटल्स के प्रकोप से बचने के लिए हमें क्विनाल फास सबसे अच्छी दवाई है। क्विनाल फास की 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर डालेंगे तो वो ब्लू बीटल को भी कंट्रोल कर लेगा। अगर ब्लू बीटल नहीं है तो मैंने जो अभी आपको कॉम्बिनेशन बताया था मेथॉक्सम और लेमडा साइक्लोथ्रिन का, उसका उपयोग कर सकते हैं। एक और दवाई आई है बीटा साइक्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड के कॉम्बिनेशन की। इसमें इमिडाक्लोप्रिड समवाही कीटनाशक है, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, और बीटा साइक्लोथ्रिन वो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, संपर्क विष हो। तो इनका भी हम अगर उपयोग करेंगे तो काफ़ी तरह के कीड़े जो कि प्रारंभिक अवस्था में सोयाबीन को नुकसान करते हैं उनसे नियंत्रण हो सकेगा और हमारी फसल सुरक्षित रहेगी। तो दो बातों का ध्यान रखें, फफूंदनाशक से बीजोपचार करें और कीटनाशक से भी बीजोपचार करें। आमतौर पर यह देखा गया है कि शुरुआत की अवस्था में बीजोपचार सिर्फ कल्चर से कर देते हैं और किसान भाई किसी फफूंदनाशक या रासायनिक कीटनाशक से उपचार नहीं करते हैं। लेकिन अब जो पिछले 3-4 सालों में 5 सालों में हमने अनुभव किया है, अगर पौधे को फसल को प्रारंभिक अवस्था में हम कीट व्याधि से नहीं बचा पाएंगे तो हमको आगे जाके उनका नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उत्पादन में भारी कमी आ सकती है।
इसके बाद में पत्ती खाने वाले कीड़े आते हैं, उनके बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे। गर्डल बीटल भी आता है, उसके बारे में भी हम अगली बार चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।